हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। आज हम लोग वुमेन्स एजुकेशन, जिसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा है, के चार सेंट्रल आइडिया, चार एक्सप्लेनेशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ट्रू नॉलेज, जिसका पब्लिकेशन 1970 में हुआ था। उसी ट्रू नॉलेज से उन्होंने इस एस्से को लिखा है जिसका टाइटल है वुमेन्स एजुकेशन, जिसमें उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए ढेर सारे उपाय बताए हैं। प्राचीन काल में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति क्या थी, मध्यकाल में शिक्षा की स्थिति क्या हुई और वर्तमान में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या है, इस पर विशद वर्णन उन्होंने किया है। एक सूक्त से भी हम लोगों को समझाने का उन्होंने प्रयास किया था प्राचीन काल का, पुरा कल्पेशु नारी नाम मंदिर वंदना निश्चिता अध्यापाना चा वेदा नाम गायत्री वचनाम तथा, यह कह करके उन्होंने स्त्रियों के प्राचीन काल के सार्वभौमिक अधिकार का विशद वर्णन किया था। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे पब्लिक लाइफ हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब क्षेत्रों में वे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने चार एक्सप्लेनेशन इसमें से सेलेक्ट किया है, क्योंकि लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चार एक्सप्लेनेशन को आप देख लो कौन सा है, एक पिक देख लो आप उसका कि कौन सा मैंने सेलेक्ट किया है, ताकि आप उस पैराग्राफ को अपने सामने रखो। मैं पैराग्राफ को भी पहले डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बताता हूं कि कैसे आखिर हर पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन आप करोगे। तो पहले आप उस पिक को देख लो कौन से चार एक्सप्लेनेशन हैं। तो आपने देख लिया कौन कौन से चार पैराग्राफ हैं। उन चारों पैराग्राफ को आप हेडलाइटर ले करके, जो हाइलाइटर आता है उससे आप पूरा कलर कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम के दौरान देखने में आसानी हो। तो पहला जो हमने सेलेक्ट किया है, जो दो तीन बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, वो है आपका प्रथम चार लाइन। शुरुआत का प्रथम चार लाइन है, आप उसको किताब में देख सकते हो। प्रथम चार लाइन को एक बार मैं उसको किताब के द्वारा बताता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ कि आखिर उसको कैसे किया जाए। पहला दिया, यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे काल में रह रहे हो, आप एक ऐसे युग में रह रहे हो, व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमारे, आप एक ऐसे काल में रह रहे हो जब महिलाओं के लिए सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य, पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में अवसर मिले हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि इस समाज का, इस देश का कोई भी ऐसा फील्ड क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं को अधिकार ना मिले हों। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रिस्ट्रेंड मैनर, लेकिन हमारे समाज को अनुशासित मस्तिष्क और नियंत्रित आचरण वाले महिलाओं की आवश्यकता है। डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित मस्तिष्क, रिस्ट्रेंड मैनर, नियंत्रित आचरण। वट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप किसी भी दिशा में कार्य करना क्यों ना प्रारंभ करो, कोई क्षेत्र, कोई लाइन, संजीवन की कोई विधा क्यों ना चुन लो, आप किसी भी दिशा में कार्य करना क्यों ना प्रारंभ करो, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, आपको उसके प्रति प्यारे बच्चों ईमानदार होना चाहिए। डिसिप्लिन्ड माइंड, आपको उसके प्रति अनुशासित मस्तिष्क का होना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होगे। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको आपके कार्यों का आनंद आएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ है आपका, समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं जल्दी से बोल देता हूँ, आप एक ऐसे काल में, एक ऐसे युग में रह रहे हो जहाँ महिलाओं को सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर मिले हुए हैं। आज हमारे समाज को अनुशासित मस्तिष्क और नियंत्रित आचरण वाले महिलाओं की आवश्यकता है।
आप किसी भी दिशा में किसी भी क्षेत्र में कार्य करना क्यों ना प्रारंभ करो, आपको उसके प्रति ईमानदार होना चाहिए, आपको उसके प्रति अनुशासित मस्तिष्क का होना चाहिए, तभी आप सफल होगे और आपको आपके कार्यों का आनंद आएगा। तो ये था आपका प्रथम पैराग्राफ, किताब में देख लेना। एक्सप्लेनेशन में होता क्या है प्यारे बच्चों, जो कुछ है वो उसी को आप अपने शब्दों में लिख दो, वही व्याख्या हो जाती है। ठीक है, पहले तो आप रेफरेंस देखो क्या लिखोगे। रेफरेंस आपको रटा हुआ है कि रेफरेंस में आप लेसन का नाम और राइटर का नाम, यही दो लिखते हो। तो बनाओगे क्या, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ओमेन्स एजुकेशन रिटन बाई डॉक्टर एस राधाकृष्णन द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें चाहो तो आप लिख सकते हो, थोड़ा सा और जोड़ सकते हो, द सोर्स ऑफ दिस लेसन इज हिज फेमस बुक ट्रू नॉलेज व्हिच वाज पब्लिश्ड ऑन 1970। बताओ समझ में। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखो, कॉन्टेक्स्ट पर ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इस पैराग्राफ में जो आपने देखा, इस पैराग्राफ में लेखक यह बात करते हैं कि आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को कौन कौन से महान अवसर उपलब्ध हैं। यही तो पाए हो, सोशल वर्क है, पब्लिक लाइफ है, सार्वजनिक जीवन है, सब जगह महिलाओं को अधिकार मिले हैं। तो बनाओगे क्या कॉन्टेक्स्ट में प्यारे बच्चों, कि इन दिस पैसेज द ऑथर, या आप डॉक्टर एस राधाकृष्णन कर दो, इन दिस पैसेज डॉक्टर एस राधाकृष्णन टॉक्स अबाउट द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू वुमेन इन वेरियस फील्ड से जुड़े। एक ये तरीका हो गया, यही आप बना लो। या दूसरा आप चाहो तो बना सकते हो कि द राइटर एक्सप्रेसेस हिज व्यूज अबाउट वुमेन्स एजुकेशन एंड देयर रोल इन द एज दे आर लिविंग। ये आसान सा, ये बहुत छोटा सा भी आसान है। द राइटर एक्सप्रेसेस हिज व्यूज अबाउट वुमेन्स एजुकेशन एंड देयर रोल इन द एज दे आर लिविंग। तो आप ये देखो, दो कॉन्टेक्स्ट हुआ, तो कोई एक कॉन्टेक्स्ट आप बना लो, लेकिन मेन भाव आपको मालूम होना चाहिए कि इस पंक्ति में पहला जो पैराग्राफ दिया है इसमें इन्होंने बताया है कि आज महिलाओं को जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में या समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं, यही मेन बताने का प्रयास किया है। और एक्सप्लेनेशन के लिए जो पैराग्राफ होगा वो आपके सामने होगा, आपको उसको देख देख करके एक्सप्लेन करना है। तो बहुत कठिन है नहीं, आसान है। 5 वर्ड आपको दिए गए हैं, सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन्ड माइंड एंड स्टैंडर्ड मैनर। इन 5 वर्डों पर आप ध्यान रखना, इन्हीं 5 वर्डों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो बनेगा क्या, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सेज दैट एट प्रेजेंट इन द मॉडर्न एज, चाहे एट प्रेजेंट लगाओ चाहे इन द मॉडर्न एज लगाओ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सेज दैट एट प्रेजेंट आर इन द मॉडर्न एज There are great opportunities for women to work. Now, the women are free to work out of their house or their houses. They can take part in social work. Their services are required in public life. They can discharge their duty in public administration. But they are required to discipline their minds and have their manners controlled. Work, और उसी में देखो, work done honestly and sincerely brings joy. ये एक सूक्त है, इसको आप याद रखो। कोई भी कार्य ईमानदारी पूर्वक किया जाए, वफादारी पूर्वक किया जाए, आनंद मिलता है। वही मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि work done honestly and sincerely always brings joy. This leads you success. In other words, they should also be honest and disciplined in whatever work they do. Then only they can succeed and enjoy the work. Hence, Dr. S. Radhakrishnan
lays stress on women to take an education and make themselves fit to discipline and make themselves fit to discharge their duties in any field of life. यह प्यारे बच्चों आपका पहला पहला, फिर आप दूसरा पैराग्राफ देखो, कंपैशन दया वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार मैं उसको पढ़ करके समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. कंपैशन दया इज द क्वालिटी व्हिच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन. पैराग्राफ पहले देख लो तभी एक्सप्लेन कर पाओगे. और मूल थीम समझना, इस पूरे पैराग्राफ में कंपैशन दया के विषय में बताया गया है, क्योंकि दया ही वह गुण है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को अलग करती है, और दया ही वह गुण है जो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है, और दया का पतन ही स्त्रीत्व के पतन का मुख्य कारण भी है. समझ में आ रहा है? कंपैशन दया इज द क्वालिटी, दया वह गुण है व्हिच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन, जो पुरुषों के बजाय महिलाओं की विशेषता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में पाई जाती है. आई रीड, यह आई मीन्स डॉक्टर एस राधाकृष्ण. आई रीड रिसेंटली ए बुक, मैंने हाल ही में किताब पढ़ी. रिसेंटली मैंने प्रेजेंटली, हाल ही में किताब पढ़ी, व्हिच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जो हमें स्त्रीत्व के पतन के विषय में बताती है. एंड सेज दैट, और यह भी बताती है कि दिस इज सो, ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि उनमें दया का पतन हुआ है, दया का नाश हुआ है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, महिलाओं का स्वाभाविक गुण कंपैशन है, दया है. इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आप में दया नहीं है तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हो. इट इज देयर फॉर, इसीलिए essential for every human being to develop the quality of considerateness, kindness and compassion. इसलिए प्रत्येक मानव समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने भीतर तीन गुणों का विकास करें. कौन कौन सा? Considerateness यानी समझ का, compassion और kindness का. Without these qualities, बिना इन गुणों के, we are only human animal, नर पशु, हम केवल एक नर पशु हैं. Not more than that, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं हैं. बताओ, ये पैराग्राफ आप देखोगे, एक बार जब मैं लाइन टू लाइन पढ़ाया था तो भी मैंने समझाया था, आपने इसका मूल थीम देख लिया. प्यारे बच्चों, इस पूरे पंक्ति में कंपैशन के विषय में, महिलाओं में कंपैशन के नाश के विषय में बताया गया है, और हर मनुष्य से यह आग्रह किया गया है कि वे अपने भीतर कंसिडरेटनेस, काइंडनेस और कंपैशन, इन तीन गुणों का विकास करें. रेफरेंस आपको याद है, फिर से एक बार देख लो. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. The source of this essay is his famous book True Knowledge, which was published on 1970. ठीक है, अब इसके कॉन्टेक्स्ट को देखो. अब कॉन्टेक्स्ट में आप इसके देखो बच्चों क्या कह रहे हैं. इन दिस पैसेज द राइटर डॉक्टर एस राधाकृष्णन गिव्स हिज व्यू ऑन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन. ठीक है, यानी इस पैसेज में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने महिलाओं के मुख्य गुण में के प्रति अपने दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं. यानी बन क्या रहा है कि इन दिस पैराग्राफ द राइटर डॉक्टर एस राधाकृष्णन गिव्स हिज व्यूज ऑन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन. एंड यू नो द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन इज ए कंपैशन. एक्सप्लेनेशन देखो. Actually, men are less kind-hearted than women. ये तो आपको मालूम ही होगा.
कि वास्तव में जो पुरुष हैं या महिला पुरुष जो हैं वो महिलाओं की तुलना में कम काइंड हार्टेड होते, क्रूअल होते हैं। आए दिन मारपीट, झगड़ा, बवाल ये सब पुरुष करते रहते हैं। एंड कंपैशन आर द फीलिंग ऑफ पिटी इज द मेन क्वालिटी ऑफ वुमेन। ये भी याद रखना कि महिलाओं का विशेष गुण दया है, पुरुषों का नहीं है। दिस क्वालिटी डिस्टिंग्विशेस वुमेन फ्रॉम मेन। द राइटर सेज दैट ही रिसेंटली रीड अ बुक ऑन द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड बिकॉज द फीलिंग ऑफ कंपैशन ग्रू लेस इन देम। इफ वी लॉस कंपैशन वी कैन नॉट बी कॉल्ड ह्यूमन। इनफैक्ट ए पर्सन हु इज नॉट कंपैशनेट टूवर्ड्स हिज फेलो बींग्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ ह्यूमन। एक्चुअली नेचर हैज मेड वुमेन कंपैशनेट, इट इज ए गॉड गिफ्टेड टू देम, या दूसरे शब्द बोले से इट इज ए गॉड गिवन गिफ्ट टू देम। सो एवरी ह्यूमन बींग नीड टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ सच एज कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। विदाउट सच क्वालिटीज और विदाउट दीज क्वालिटीज ए मैन इज लाइक एन एनिमल, ही विल नॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड, ही विल बी कॉल्ड ओनली नर पशु, नॉट मोर देन दैट। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकंड। नाउ थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ इन एंशियंट टाइम में, और जरा देखते हैं कि इन एंशियंट टाइम में आपको क्या क्या बताने का प्रयास किया गया है। लास्ट में मिलेगा ये पैराग्राफ है। इन एंशियंट टाइम से लेकर के इनटू दियर ओन तक पूरा का पूरा पैराग्राफ है। तो एक बार पहले उसको देख लो क्या कह रहे हैं। डॉक्टर एस राधा कृष्णन कहते हैं कि इन एंशियंट टाइम्स प्राचीन काल में आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम। हमारी महिलाओं का उपनयन संस्कार किया जाता था। दे वर इंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास। हमारी जो महिलाएं थीं वे वेदों का अध्ययन करने की अधिकारी थीं, वेदों का अध्ययन करने की पात्र थीं। दे वर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप। वे गायत्री जाप करने की भी अधिकारी होती थी। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वुमेन। हमारी महिलाओं के लिए सारी चीजें खुली हुई थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड। लेकिन हमारी सभ्यता ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, और इस पतन का मुख्य प्रतीक यह हुआ कि हमारी सभ्यता का पतन हुआ, इज द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, और महिलाएं उसके प्रभाव में आई। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एग्जर्शन ऑफ महात्मा गांधी के अथक प्रयास से ए रेवोल्यूशन हैज इफेक्टेड इन आवर कंट्री। हमारे देश में एक क्रांति चलाई गई, क्रांति प्रभावित की गई। एंड वुमेन आर कमिंग इन टू दियर ओन, और हमारी महिलाएं अपने पुराने अधिकार को फिर पा रही हैं। ठीक है, यानी जो प्राचीन काल में अधिकार थे वही अधिकार हमारी महिलाएं फिर पा रही हैं। अब एक बार फिर से समरी देख लो ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। प्राचीन काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। वे वेदों के अध्ययन करने की अधिकारी होती थी। वे गायत्री जाप करने की भी अधिकारी होती थी। ये सारी चीजें हमारे महिलाओं के लिए खुली थी। लेकिन हमारी सभ्यता गिरफ्त में आ गई और हमारी सभ्यताओं का पतन हुआ। माने मूल रूप से अगर देखा जाए तो सभ्यताओं के पतन के कारण ही महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हुई। लेकिन महात्मा गांधी के अथक प्रयास से, यानी स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयास से एक क्रांति प्रभावित की गई, और आज हमारी महिलाएं अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर रही हैं। रिफरेंस आपको मालूम है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर बोल देता हूं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन
वुमेन्स एजुकेशन रिटन बाई डॉक्टर एस राधा कृष्णन हु वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द सोर्स ऑफ दिस बुक इज हिज फेमस बुक ट्रू नॉलेज व्हिच वॉज पब्लिश्ड ऑन 1970. ये आप रेफरेंस में लिख लेगा. कॉन्टेक्स्ट इसको देखा जाए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन टेल्स अस अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस राइट्स बाय वुमेन इन एंशिएंट टाइम. यानी कहने का मतलब क्या है कि प्राचीन काल में महिलाओं को कौन कौन से सामाजिक कौन कौन से धार्मिक अधिकार मिले थे इसके विषय में बता रहे हैं. यानी कहेंगे क्या कि डॉक्टर राधा कृष्ण यस राधा कृष्णन टेल्स अस अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस राइट्स. राइट्स बोल रहा हूँ, RIGHTS माने अधिकार हैं, इंजॉयड बाय वुमेन इन एंशिएंट टाइम. या अगर ये नहीं ठीक लग रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, द राइटर टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन इन एंशिएंट टाइम. ही आल्सो टेल्स अबाउट द डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन. ठीक है, अब व्याख्या देखो. व्याख्या में बार बार बोलता हूं, आपके सामने रहेगा पैराग्राफ, उसी को देख करके आप अपने शब्दों में ट्रांसलेट कर दो. एक्चुअली डॉक्टर एस राधा कृष्णन सेज दैट इन एंशियंट टाइम में वुमेन हैड मेनी राइट्स. महिलाओं को बहुत सारे अधिकार थे, लाइक उपनयन सेरोमनी एंड स्टडी ऑफ वेदास. All the women are permitted to chant the Gayatri Jap. This picture shows that women in past had more freedom and rights than now. They are equal to men. There are no difference between men and women in ancient time ya in past time. But when our civilization began to decline, it affected women's position in society. The main reason behind the decay of civilization was that social rights of women were taken away from them and they were made confined within the house only. ठीक है बच्चों, तो ये था आपका थर्ड. नाउ लास्ट पैरा देखिए क्या है. Therefore it is essential वाला पैराग्राफ देखिए जरा आप कि क्या है. Therefore it is essential वाला पैराग्राफ ये बेटा आप लोगों को दूसरे पैराग्राफ के मिड में मिलेगा. दूसरा पैराग्राफ मिड में देखना. Therefore इसीलिए it is essential. Essential means आवश्यक. Essential that यह आवश्यक है कि the education which you acquire in these institution कि इन संस्थाओं में जो भी शिक्षा आप प्राप्त करें should give you not merely learning and skill. इन्हें आपको न केवल ज्ञान और चतुराई प्रदान करना चाहिए but endow, endow means impart, प्रदान करना you with a definite purpose in life, बल्कि इन्हें आपको आपके जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करना चाहिए. What that purpose is, उद्देश्य क्या है, you have to define for yourselves, इसको आपको स्वयं परिभाषित करना है. यहाँ तक आपका है. यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो संस्थाएं हमको शिक्षा देती हैं, जहां हम एडमिशन लेते हैं, जहां हम पढ़ते हैं, इनको हमको केवल चतुराई नहीं देना चाहिए, इनको हमको केवल ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि इनको चाहिए कि हमारे जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करें, जिसको लेकर के हम संसार में जाएं, जिसको लेकर के हम जीवन में जाएं, ताकि हम अपने परिवार का, समाज का, देश का, सबकी उन्नति करें. और कौन सा उद्देश्य का निर्धारण हमें करना है, उसको हमको स्वयं परिभाषित करना है. ये कोई संस्था, हमारे सगे संबंधी, हमारा समाज नहीं कर सकता है. कौन सा उद्देश्य हमारे लिए अच्छा है, इसको हमको स्वयं ही परिभाषित करना है, स्वयं ही निर्धारित करना है. ठीक है,
आओ अब इसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे बेटा इसका? एक्चुअली डॉक्टर एस राधाकृष्णन हाइलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड आल्सो ऑफ ए डिफरेंट पर्पज इन लाइफ। ये इसका मूल उद्देश्य है, मूल थीम है। यानी इस पैराग्राफ में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जीवन में डिफरेंट पर्पज क्या हो और शिक्षा की महत्ता, इन दोनों के विषय में बताते हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं कि इन दिस पैराग्राफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाइलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड आल्सो ऑफ ए डेफिनेट पर्पज इन लाइफ। एक ये बना लो, अगर मान लो ये नहीं आप लोगों को बनता है तो दूसरा भी कह सकते हो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन टेल्स अबाउट द रियल क्वालिटीज ऑफ गुड एजुकेशन एंड दिस एजुकेशन शुड बी डीप विथ डेफिनेट पर्पज। दो चीजें हो जाना चाहिए। तो ये था आपका कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन में आप देखो क्या लिखोगे बच्चों। हियर डॉक्टर एस राधाकृष्णन सेज दैट द एजुकेशन दैट यू ऑब्टेंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन टीचेज अस लर्निंग एंड स्किल। यानी दीज इंस्टीट्यूशन ओनली गिव्स अस लर्निंग, ओनली गिव्स अस द नॉलेज ऑफ लर्निंग एंड स्किल। However, it is also important that it should provide us a definite purpose in our life. It is we who have to define that aim for ourselves. The aim or the purpose of life should be defined according to our situation and requirement. Whereas विमर्श रूपड़ी विद्या या विमर्श रूपड़ी एजुकेशन gives one a sense to understand what is right and helps avoid what is wrong. बस इतना हो गया। तो ये था आपका इसका explanation। तो प्यारे बच्चों अपने ओमेंस एजुकेशन के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमने 10-11 सेलेक्ट किया था, वो उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये चार एक्सप्लेनेशन पर आपने आज डिस्कस कर लिया। अब इनके नोट्स आप बनाइए और आप इसको लिखिए। जब स्कूल खुलेगा तो मैं इसको चेक करूँगा और एक बार फिर स्पीड में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।